खबर है प्रयागराज से है, जहां पर विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम यानी कि महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इन तैयारियों की समीक्षा की है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह बताया कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज का दौरा करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री 7,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वहीं सीएम ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री संगम में पूजन करने के साथ अक्षय वट, सरस्वती कूप और लेटे हनुमान के दर्शन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि विभिन्न राज्यों की ओर से महाकुंभ में अपने शिविर स्थापित करने से अनुरोध मिल रहे हैं और इस संबंध में यथोचित निर्णय तत्काल हो जाए। इसी प्रकार महाकुंभ के दौरान ब्रह्मलीन होने वाले साधु संतों की समाधि के लिए प्रयागराज में भूमि आरक्षित कर दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 कुंभ में कुल 5,721 संस्थाओं का सहयोग लिया गया था, जबकि महाकुंभ में लगभग 10,000 संस्थाएं एक उद्देश्य के साथ कार्य कर रही हैं, जिसमें कि 25,000 से अधिक पब्लिक एकोमोडेशन की व्यवस्था की जा रही है। वहीं ज्वारी निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधूरे कार्य प्रत्येक दशा में 10 दिसंबर तक पूरे हो जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए ये भी कहा कि टाइमलाइन के दबाव में कार्य की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए।